सो अंडर द टॉपिक सेट थ्योरी टुडे वी विल स्टडी थ्री टॉपिक्स सबसेट पावर सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद सबसेट. ओके सो व्हाट इज अ सबसेट? द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहेंगे? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इस केस में सेट ए सेट बी का सबसेट हो जाएगा. ठीक है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. वेन डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल से हम इसको दिखाते हैं, और दो मेरे पास क्या है, सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी. तो इनर सर्कल क्या है? ए. अब देखेंगे हम ए की जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आ गए? इस रिप्रेजेंटेशन से सेट बी में. तो सेट ए सेट बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया. ठीक है, कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं. पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10. ठीक है, सपोज मैं पहले सेट को ए से डिफाइन कर लेता हूँ. अब इसमें कंडीशन क्या है? लेस देन 10 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए. ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9. ठीक है, लेस देन 10. दूसरा सेट की क्या है, किसका सबसेट है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10. तो इसमें लेस देन 10 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3 सो ऑन, कहाँ तक? 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड केवल 9 तक. ठीक है, लेस देन 10 बोला है, लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन 10 है. तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर वेन डायग्राम से भी हम देखना चाहें तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9. ठीक है, और बी के 1, 3, 5, 7, 9 आ गए हैं, तो बचे कौन से? 2, 4, 6, 8. ठीक है, तो बी इस सर्कल के अंदर कौन कौन से आ गए? आउटर सर्कल के अंदर सारे एलिमेंट्स 1, 2, 9, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9. तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए. ठीक है, इसको सुपर सेट बोलेंगे और ए को सबसेट बोलेंगे बी का. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर. अब यहाँ पे भी दो सेट हैं, पहला सेट सेट ए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और सेट बी हम क्या ले लेंगे? अगर इसको ए मान लूँ और इसको बी, तो सेट बी आ जाएगा द सेट ऑफ द रियल नंबर. तो इस एग्जांपल को समझने से पहले हम लोग एक बार हमारे जो नंबर्स हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो हैं, तो फर्स्ट वन इज कैपिटल एन, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपनी बेसिक काउंटिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. नेक्स्ट टाइप क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स जो हैं इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उसमें केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी 1 to infinity. ठीक है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर मतलब जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. क्यों? अगर p by 0, सपोज q की वैल्यू 0 हो गई, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? अनडिफाइंड. ठीक है, और इसमें एक और चीज़ क्या है, p और q किसको बिलोंग कर रहे हैं? z को, और z क्या था? सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की भी हमारी फर्दर कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे. तो ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे अंडर रूट 2 है और पाई है, ये सारे नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर्स में. ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स. तो रियल नंबर के सेट में सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं. अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स की, जिसमें केवल
पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और लास्ट है सी, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी की फॉर्म में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम इसमें भी डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक नंबर्स थे। अब हम अपने वापस एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या था, द सेट ऑफ अ रेशनल नंबर जिसे हमने ए बोला था इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है, जैसे सेट बी बोला था। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, जिसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो सेट ए सेट बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है, और सेट बी यहाँ पे सुपर सेट हो गया, जिसे हम रियल नंबर्स का सेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब दोनों सेट एक ही हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, अगर इसको मैं ए बोलूँ, और नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम सेट हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, इट सेल्फ, दैट इज इट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, नल सेट जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो हर सेट का एक सबसेट, सेट वो सेट इट सेल्फ होगा और एक फाई भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर सेट, ठीक है, सो व्हाट इज अ पावर सेट, ठीक है, गिवन अ सेट एस, द पावर सेट ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट एस, ठीक है, एक सेट एस है, अगर सपोज इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स को लेके मैं जितने भी अगर पॉसिबल सबसेट बना सकता हूँ, उन सब का सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट, ठीक है। एक एग्जांपल से अभी हम नीचे देखेंगे पावर सेट क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एस, ठीक है, ये पावर सेट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ एस, ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होती है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको साइज ऑफ सेट भी हम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एक सेट एस की कार्डिनलिटी एन है, मीन्स उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ए सपोज मैं बोलूँ कि ए इज 1, 2, 3, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3, क्योंकि इसमें तीन नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी अगर एन है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ये बोल रहा है 2^n, ठीक है। अगर इसी सेट की, अगर इस एग्जांपल की बात करूँ, अब इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3, अगर इसका पावर सेट अगर मैं निकालूँ तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2^3, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी इसके पावर सेट की कितनी होगी, 2^3, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं पावर सेट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ द सेट 2, 3, 0, ठीक है, हमें एक सेट गिवन है 2, 3, 0, इसके तीन एलिमेंट हैं जिसका हमने पावर सेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अभी मैंने लास्ट आपके सबसेट में आपको बताया था कि फाइ इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, तो एक सेट है 2, 3, 0, तो इसका एक सबसेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाइ, तो और फाइ क्या होता है, फाइ इज अ नल सेट, फाइ हमेशा सेट होता है, ठीक है, फाइ कोई एलिमेंट नहीं है, फाइ एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ फाइ इज इक्वल टू 0, ये होता है नल सेट। इसको और कैसे डिनोट करते हैं, खाली अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा दें, तो जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट वाला सेट हमने यहाँ पे लिख दिया पावर सेट में। अब हमने इसके सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उन्हें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये तो जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट वाला हो गया। अब इसमें वन नंबर ऑफ एलिमेंट के कौन कौन से सेट होंगे, 2, ठीक है, 3 एंड 0, 0 एक एलिमेंट है, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये सबसे पहले 5 में 0 एलिमेंट हो गए, इस सेट में 1 एलिमेंट, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ये तो 1 एलिमेंट वाली बात होगी। अब हम निकाल दें दो दो एलिमेंट को साथ लेके, ठीक है, 2, 3, ये एक सेट हो गया, उसके बाद 2, 0, ये एक सेट हो गया, नेक्स्ट 3, 0 भी एक सेट हो गया, 2 नंबर का और कुछ पॉसिबल है, नहीं, ठीक है, तो ये 2 नंबर के हो गए। उसके बाद 3 नंबर का, 3 नंबर का केवल एक ही होगा जो सेट इटसेल्फ होगा, 2, 3, 0, अब तो ये टोटल कितने हो गए, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि टोटल कितने होने चाहिए। अब इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3,
तो 2^3 इसके पावर सेट में ही होंगे एलिमेंट्स, ये कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये इसका पावर सेट हो गया। तो अब इसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फाइव इज सबसेट ऑफ ईच सेट एंड सेट इटसेल्फ आल्सो सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो 2, 3, 0 सेट था, तो ये भी इसका एक क्या हो जाएगा सबसेट, और बाकी सारे ये भी इसके सबसेट हैं। ठीक है, तो इसका पावर सेट हमने निकाल दिया। यहाँ पे नीचे हमने लिखा भी है, नोट दैट द एम्प्टी सेट एंड द सेट इज इट सेल्फ आर मेंबर्स ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट। अब हमने एम्प्टी सेट का क्या निकालना है, पावर सेट। ठीक है, ये वाला, ये हमने कैलकुलेट करना है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अभी मैंने ऊपर बताया इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 0, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इसके अगर पावर सेट की बात करूं मैं, नल सेट के पावर सेट की, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से 2^n, n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 2^0 इज इक्वल टू 1। तो इसके पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा। अब वो एलिमेंट क्या होगा, 5। ठीक है, नल सेट का पावर सेट क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज 5 और नल सेट। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट 5। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज हमने नहीं होना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सपोज मैं कहता हूँ कि एक सेट है वाई और ये है, और इसका मुझे क्या निकालना है, पावर सेट। ठीक है, तो इसका पावर सेट अगर मैं वाई का निकालना है, तो उसकी सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। अब वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, और वो एलिमेंट भले ही क्या है, नल सेट है, तो 2^1 इज इक्वल टू 2। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी, और वो 2 एलिमेंट्स क्या होंगे, एक तो हो जाएगा क्या, नल सेट, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होंगे, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर मेंबर ऑफ दिस, या जो भी मेरे को सेट गिवन है वो। ओके, तो पावर सेट ऑफ 5 हमने देखा क्या आ गया, एक एलिमेंट 5, और जब हमने इसका दोबारा से पावर सेट निकाला उसमें फिर 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है, नल सेट और फिर सेट इटसेल्फ। अगर मैं कहूँ कि मुझे दोबारा से इसका जो मेरा ये वाला सेट है, ठीक है, इसका दोबारा से मुझे पावर सेट निकालना है। ठीक है, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, अब इस पूरे में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हो जाएंगे 2^2, दैट इज 4। तो अब वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो आएगा पहले नल सेट, उसके बाद सेट इटसेल्फ 5, 5, यही हमारा सेट था, क्योंकि हम इसी पूरे का पावर सेट निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, एक पहला मेंबर, ठीक है, ये आ गया एक सेट, उसके बाद दूसरे मेंबर का भी एक सेट बन जाएगा, तो 2 ब्रैकेट लगेंगे उसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा इसका पावर सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट आप तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हमें एक सेट गिवन है जिसके 3 एलिमेंट हैं, ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए मतलब वो सेट है, और ये एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, तो पहला है 5 बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग मतलब एलिमेंट की बात हो रही है कि ये प्रेजेंट होगा पावर सेट ऑफ ए में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से होंगे, 5, ठीक है, उसके बाद सेट ए, उसके बाद सेट बी का भी सेट, ठीक है, इसमें 2 ब्रेसेस लगेंगे, नेक्स्ट सेट सी का सेट, नेक्स्ट अब दोनों के हम पेयर बना लेते हैं, और ए बी आ गया, उसके बाद ए और सेट सी, नेक्स्ट सेट बी एंड सेट सी, ये भी आ जाएगा एक पेयर। ठीक है, 2 के कंप्लीट हो गए, और लास्ट अभी 3 का, ए कोमा बी कोमा सी।
ठीक है, तो ये इसका पावर सेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, पहला है 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट है पावर सेट का। नेक्स्ट, 5 इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ट्रू। वाई, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं। नेक्स्ट, ए कॉमा सेट बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में है? जब भी बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एलिमेंट्स की बात होती है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है यहाँ पे? है, तो ये केस भी क्या हो गया? ट्रू। लास्ट क्या है, ए कॉमा सेट बी इज अ सबसेट। ठीक है, अब सबसेट बात हो रही है, मीन्स इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, यही सबसेट की कंडीशन होती है। देखते हैं, तो पहला एलिमेंट ए क्या है? तो बहुत लोगों को क्या लगता है, हाँ यहाँ पे ए है, बट ये ए नहीं होके ये क्या है, ये सेट ए है और यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सेट बी, बट यहाँ पे क्या है, सेट बी के बाहर से भी ड्रेसेस है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये तो था पावर सेट। अब हम बात करते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो व्हाट इज कार्टिजन प्रोडक्ट? लेट ए एंड बी बी सेट, ए और बी दो सेट हैं। द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी से, इसको डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे लेंगे। वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, नीचे डेफिनेशन भी दी हुई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बट इज द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट के एलिमेंट है 1, 2 एंड बी इस सेट के एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें कार्टिजियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कॉमा बी, तो पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तो 1, A, ऐसे ही 1, B एंड 1, C, हर एक के साथ हम इसका पेयर बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2, A, 2, B एंड 2, C, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब A क्रॉस B तो हमने निकाल लिया, क्या B क्रॉस A भी A क्रॉस B के इक्वल होगा? तो आंसर क्या है? नो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, ये कब इक्वल होंगे? जब ए और बी दोनों एक जैसे सेट होंगे। ठीक है, सेम सेट होंगे, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहला पेयर ऑर्डर्ड पेयर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ही आने, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए का होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a, 1, a, 2। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट अब यहाँ पे क्या है? बी, तो उसका पहला एलिमेंट और सेट का दूसरा एलिमेंट 1। ठीक है, b, 2। ऐसे ही c, 1 एंड c, 2। ओके, तो ये क्या हो गया? कार्टिजन। तो अब इसमें दूसरा एग्जांपल है, व्हाट इज द कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे तीन सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हमें पता है पहला, अभी इसमें जो पेयर आएगा उसमें क्या होगा? पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 0। ठीक है, 0, 1 एंड 0। दूसरा पेयर जो आएगा 0, 1 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही तीसरा 0, 1 एंड 2। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर क्या लेंगे नेक्स्ट? 0, 2, 0, 0, 2, 1 एंड 0, 2, 2। ऐसे ही सारे हम पेयर से इसमें लेकर आएंगे और ये हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ सेट्स और कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो सेट थ्योरी से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू।